जो साधु हैं कम से कम वो सुरक्षित हैं। और अब बात देवभूमि हिमाचल की, जहां इन दिनों अवैध निर्माण को लेकर दंगल चल रहा है। दो दिन पहले शिमला और आज मंडी में एक मस्जिद को अवैध बताकर उसे हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन को लेकर मंडी में धारा 163 जो पहले 144 हुआ करती थी वो लगा दी गई। इसके बावजूद लोग सड़क पर रहे। देवभूमि में अवैध निर्माण पर दंगल। पहले शिमला, अब मंडी में ठनी। सड़कों पर संग्राम, अवैध मस्जिद पर घमासान। तकरार, गुस्से पर पानी की बौछार। ये धर्म युद्ध है। मंडी के स्थानीय लोगों का यह गुस्सा जो सड़क पर उतर आया। मंडी के लोगों ने मस्जिद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे हजारों की तादाद में स्थानीय लोग एकजुट हुए और मस्जिद की तरफ कूच कर गए। पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी थी, बीच में ही पुलिस ने उनका रास्ता रोका। लोगों को पीछे ढकेलने के लिए पानी की तेज बौछारें छोड़ी गई, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज से परहेज किया। भीड़ को मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए 10 फीट से ऊंची बैरिकेडिंग की गई थी और उसके पीछे वरुण वाहन खड़ा था, ताकि अगर लोग बैरिकेडिंग तोड़ने या फांदने की कोशिश करें तो उन्हें पानी की बौछार मारकर पीछे ढकेला जाए। लेकिन लोगों का गुस्सा इतना था कि कुछ ही देर बाद उसकी भी नौबत आ गई। आज इकट्ठा होने की कॉल ली गई है, उस चीज को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है, किसी की आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। कितनी फोर्स जो वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ कहाँ पे आपकी तरफ से जो है नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकास लगाए हैं। पुलिस ने जब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वहां पर लोग सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोग नो वक्फ इन देवभूमि का पोस्टर भी लहरा रहे थे। इस पोस्टर के साथ स्थानीय लोगों का मैसेज ये था कि देवभूमि हिमाचल में वक्फ बोर्ड की ना कोई जगह है और ना ही कोई जरूरत। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वक्फ और मस्जिद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दो दिन पहले यानी बुधवार को शिमला की संजौली मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों ने इसी तरह का प्रदर्शन किया था। उस दिन भी पुलिस ने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ने से रोका था। जब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े तब उन पर उसी तरह पानी की बौछारें मारी गई, जैसे आज मंडी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। शिमला में पुलिस ने उस दिन स्थानीय लोगों पर लाठियां भी भांजी थी। धक्का मुक्की तक हुई थी, लेकिन आज पुलिस ने स्थानीय लोगों पर लाठी चार्ज से परहेज किया, क्योंकि 11 सितंबर को हुए लाठी चार्ज पर स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा नजर आया। दो जगह पर हुए दमदार प्रदर्शन को लेकर सुक्खू सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, मसलन विधानसभा अध्यक्ष संयुक्त समिति का गठन करें, पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाई जाए, संजौली मस्जिद विवाद का जल्द निपटारा किया जाए। हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए, तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी इस कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है, हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।